नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रेस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में अनेकों पार्क है, लेकिन सबसे बड़े लामनी पार्क में हजारों की संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए वन विभाग ने लामनी पार्क में पंछी विहार नामक एक बड़ा ही प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें 26 प्रजाति के 1000 से ज्यादा रंग बिरंगे विदेशी पंछी लोग देख सकेंगे। पंछी विहार में कुल 31 पिंजरे बनाए गए हैं, जिसमें पंछियों को रखा गया है। पंछी विहार का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को करेंगे। वन विभाग द्वारा निर्मित लामनी पार्क में यहां आने वाले लोगों के मनोरंजन की सुविधा के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। इसके तहत ही करीब 3 साल पहले यहां एक बड़े हिस्से में पंछी विहार का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसके निर्माण में देरी हुई। हालांकि अब यह पूर्ण हो चुका है। पंछी विहार में छोटी छोटी पंछियों के अलावा बड़ी पंछियों को रखा जाएगा। देसी पंछी नजर नहीं आएंगी, लेकिन अब तक यहां देखने को मिलेगा। वन मंडल अधिकारी दुलेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि यहां रंग बिरंगे पंछियों को लाया जा रहा है। लामनी पार्क में बनाया गया पंछी विहार लोगों को आकर्षित करेगा। पंछियों के देखभाल के लिए लोगों को हमेशा ड्यूटी रहेगी और एक डॉक्टर भी नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ जगदलपुर में पर्यटन के लिए लामनी पार्क बेहद ही सौंदर्य जगह है, तो वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर थे उनके द्वारा एक कंसेप्ट ये किया गया कि यहाँ एक पक्षी विहार होना चाहिए हमारे बस्तर रेंज में। उसी कार्यक्रम में लामनी पार्क में पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी 26 जनवरी में आने वाले हैं, वो उन्हीं के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। और उसके बारे में आपको बता दूंगा कि लगभग 26 से 30 प्रकार के बर्ड जो है एक्जोटिक हैं, हमारे जो इस पे जो शेड्यूल स्पेसीज है उनको छोड़ के जो एक्जोटिक स्पेसीज हैं वो सारे बर्ड रहेंगे। उसके लिए हमारे दो स्टाफ की रेगुलर जो नियुक्ति होगी, परमानेंट उनके देख रेख करने के लिए डॉक्टर्स होंगे। निश्चय ही एक बहुत ही आकर्षक का केंद्र रहेगा हमारे जगदलपुर के लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर। आपके हक की बात।